नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चला है औरंगाबाद यानी आपसे जुड़ी खबरों का। औरंगाबाद काशमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार युक्त उपकरण के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रभुदास उसी गाँव का रहने वाला है। अभियुक्त को थाना क्षेत्र के कैलाशपुर से पकड़ा गया है। इस संबंध में एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है, कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। दिनांक 17/8/23 को थानाध्यक्ष कासमा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चेव में प्रभुदास पिता लक्ष्मण दास के घर पर अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष कासमा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम चेव में प्रभुदास के घर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में प्रभुदास अपने घर से फरार पाया गया, परंतु हथियार एवं हथियार बनाने की सामग्री और संबंधित उपकरण उसके घर से बरामद किए गए हैं। जिस संबंध में कासमा थानाकांड संख्या 140/23 दिनांक 17/8/23 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर दिया गया है और बरामद हथियार एवं उपकरण को विधिवत जब्ती सूची बनाते हुए जब्त किया गया है और पुनः गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम कैलाशपुर थाना कासमा से उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त प्रभुदास पिता लक्ष्मण दास साकिन छेव थाना कासमा को गिरफ्तार किया गया है। हथियार उपकरण इस तरीके से हैं, दो देसी कट्टा, दो अर्धनिर्मित कट्टा, एक दो नाली बंदूक, दो देसी मस्केट, 16 जिंदा मस्केट के कारतूस, 9 खोखा, 4 9mm के कारतूस, एक देसी कट्टा की गोली, एक ब्लोवर, दो अर्धनिर्मित बैरल, एक आर, एक हेक्सा ब्लेड, एक हेक्सा फ्रेम, एक छन्नी, एक मिनी वाइस, एक बिंदोलिया, 13 लोहे का स्प्रिंग, एक मिनी ड्रिल मशीन, 10 ग्राइंडर ब्लेड, एक डाई मशीन, एक सड़सी, 3 हैमर, 2 स्टील पाइप, 2 रेती और धार लगाने वाला एक पत्थर और एक ग्राइंडर मशीन को बरामद किया गया है। अवैध निर्मित शस्त्र को अभियुक्त के द्वारा किसके कहने पर और कहाँ सप्लाई किया जा रहा था, इस संबंध में गहराई से छानबीन जारी है। अररिया में हुई पत्रकार विमल यादव की हत्या से आक्रोशित औरंगाबाद जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और घटना पर अपना विरोध दर्ज कराया है। पत्रकारों ने इस वारदात के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सरकार से हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तहत महादलित युवतियों को मोटर वाहन ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला बैच 15 अगस्त को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR औरंगाबाद में प्रशिक्षण को पहुंच चुकी है। जमोर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मोहल्ला में अंधविश्वास को लेकर डायन का आरोप लगा गांव के ही कुछ लोगों ने एक महिला को पीट दिया, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण हत्या के 4 अभियुक्तों ने खुद को कोर्ट के समक्ष किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में नबीनगर थाना क्षेत्र के जयनगरा गांव निवासी देवा सिंह, छोटू सिंह और प्रियांशु कुमार, छोटू सिंह और विवेक कुमार एवं परवीन कुमार सिंह शामिल हैं। युक्त सभी अभियुक्तों पर नबीनगर थाना क्षेत्र के मोटरबीघा गांव निवासी लीलावती कुंवर पर हत्या करने का आरोप है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस भले ही चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लेकिन शराब माफिया अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। मामला जिले के नबीनगर थाना द्वारा मद निषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए है। 28.8 लीटर देसी शराब एवं एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सीटीयू न्यूज़। कल फिर हम हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ।